फ्रेंड वेलकम बैक, मैं हूं आपका अपना राजू भाई और आज आपके सामने एक बार फिर से लाया हूं हिमालयन, जो कि देख सकते हो आप, और साथ में है मिच्योर। और अभी मैं शॉप जस्ट ओपन ही करी है और उससे पहले भैया खड़े हैं। भैया कहां से हैं वो बताता हूं, भैया से पूछते हैं और उसके बाद करते हैं गाड़ी को अंदर, फिर करते हैं काम स्टार्ट, फिर बताते हैं क्या क्या इनके अंदर होने वाला है। तो भैया आप कहां से आए बेसिकली? हम देहरादून से आए हैं और हमने आपके बारे में बहुत सुना है तो हमने सोचा क्यों ना आपके पास आकर अपनी बाइक में काम करें। आप बताएं सर। बताए क्या, एक महीने से लगा हुआ था कि राजू भैया है SKD के पास जाके बाइक मॉडिफाई करानी है। प्लान तो हमारा मतलब ये मान लो आप कि 6-7 महीने से है, बट आज एक सपने के रूप में ऐसा लग रहा है कि सपने के तौर पे, मतलब किसी भी बाइक लवर का एक सपना होता है, बिल्कुल सपने के रूप में जो ऐसा लग रहा है कि सपना आज सच हुआ है। तो बस अब देखते हैं आगे का कैसे आज रहता है। तो भैया आप आए कहाँ से वैसे बेसिकली? देहरादून से, उत्तराखंड। कितने बजे चले थे रात को? हम 7 बजे। और कितने बजे पहुँच गए करोलबाग? 1:30-2 बज गए थे। 2 बजे भैया करोलबाग पहुँच गए, उन्होंने होटल में स्टे किया और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग भैया का कॉल आया कि भैया कितने बजे आ रहे हो, तो मैंने कहा आ जाएंगे 8:30। आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है ना कि भैया जितनी जल्दी शॉप खोल सकते, तो हमने आपकी प्रायोरिटी पहले है कि आप जितने बजे आना उतने बजे शॉप ओपन कर देते हैं। अभी देख लो, जस्ट शॉप का शटर ओपन किया है और वीडियो स्टार्ट कर दिया हमने और अब गाड़ियाँ लेते हैं अंदर, फिर देखते हैं कि किस किस के अंदर क्या है। वैसे इसके अंदर तो मुझे पता है ये तो फुल लोड है, ये जो मिच्योर है ना ये अभी का सिनेरियो इसका देख लो कैसी है, और जब ये जाएगी ना तो आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या हुआ है। ये अभी इस तरीके की है और इसको भी देख लो, हो सकता है इसमें भी कुछ समझ आए भैया को, तो इसको भी देखेंगे जरूर, इसको भी एक बार चेकआउट कर लो। तो ये है अभी का सिनेरियो और अभी करते हैं इनको अंदर, फिर दिखाते हैं इनके अंदर क्या क्या हम कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ठीक है भैया, करते हैं काम स्टार्ट। मैंने आपको दिखाया था बाहर के हिमालयन भी आई थी अपने पास, ये भी आई थी, बट उसकी वीडियो आपको अलग मिलेगी, इसकी वीडियो आपको अलग मिलेगी। इसके अंदर आपके नेपोलियन वाले ये मिरर, जो कि लेटेस्ट वाले मिरर, ये इसके अंदर इंस्टॉल हो चुके हैं जो कि देख सकते हैं, और साथ में बग बस्टर के लग रहे हैं इसमें हैंड गार्ड। इधर आपका देखना मिल जाएगा मोबाइल होल्डर जो कि बबो का है, और अभी इसके अंदर काम चालू है इसके अंदर भी। इधर आपको ये देखने मिलेगा GoPro GPS माउंट, जो कि ये भी इसके अंदर लग चुका है, और अभी इसके अंदर धीरे धीरे और भी क्या मॉडिफिकेशन है जो इसके अंदर हो रही है वो आपको दिखाते हैं। बट उससे पहले चैनल में लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना राजू भाई, इसके लिए आपके लिए इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो ब्लॉग्स हमेशा आता रहता, तो हमेशा आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो गलत बात है, सब्सक्राइब जरूर कर देना राजू भाई को। देखा था अभी तक मैंने आपको दिखाया था कि इसके अंदर भी काम अपना रेडी हो चुका था, और इसके अंदर फॉग लैंप लगे हैं, वो जो खन्ना भाई की बाइक में लगाई थी वो वाले फॉग लैंप से, काफ़ी हैवी और 70 वाट की। और वायरिंग जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि हम करते हैं इंटरनल वायरिंग बिना किसी जुगाड़ के, प्रॉपर फिटमेंट, कपलर टू कपलर, टैंक खुल चुका है, आप देख सकते हैं वायरिंग इधर हो रही है अभी पूरी तरीके से, और जब कंप्लीट होगी तो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से होता है काम हमारे यहाँ, क्योंकि हम वो वाला काम नहीं करते हैं जिसमें आप लोगों को परेशानी फेस करनी पड़े। तो देख लो, ये भी खुली हुई है, वायरिंग जस्ट नीचे लटकी हुई है, फिटमेंट होगी इसकी ओके के तरीके से तब आपको दिखाएंगे पूरा। तो वीडियो बने रही है, चैनल को लाइक से शेयर करते रहिए। इस बीच में मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ सारी कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और अभी का जो सिनेरियो है वो एक जो फॉग लैंप है वो इसका कंप्लीट हो चुका है, तो रोशनी दिखाएंगे बाद में, आप देख लो। ये इसकी फिटमेंट है और ये इसकी वायरिंग है, ये इसकी वायरिंग है जो कि मुझे खुद नहीं रहे कहाँ से निकली कहाँ चली गई, और ये देखो ये हो गई इसकी प्रॉपर फिटिंग, कपलर टू कपलर, नो जुगाड़, नो अल्ट्रेशन, नो वायरिंग, अभी सब आपका इंटरनल हाइड होने वाला है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप कभी भी जब किसे कराते हैं ना, किससे भी, चाहे कोई समझदार हो चाहे बेवकूफ़ हो, आपको पता क्या करना है, आपको अपनी समझदारी दिखानी है कि भैया प्रॉपर काम चाहिए मुझे, जो कि हम आपको वीडियो में दिखाते हैं, और वहाँ पर बहुत समझ आएगा कि आपने हमारी वीडियो देखी हुई है इसलिए आप उसको इतना फोर्स कर रहे हो, और शायद वो ना कर पाए, कर दो तो अच्छी बात है। बड़े देख लो, ये इसके अंदर जो वर्किंग है वो आप देख सकते हो, ऑल अबाउट वायर आपकी इंटरनल हो चुकी है, जो कि नहीं दिख रही है ना ही दिखेगी, और अब एक फॉग लैंप कंप्लीट हुई है, स्विच वगैरह सब लग चुका है, देन अब सेकेंड वाली जो फॉग लैंप है वो ये वाली हार्नेस अब ये लगेगी। अब आपको इसके बाद दिखाते हैं कि ये कैसे फिट हो रही है, और वीडियो बना रही, वीडियो मेरी इंटरेस्टिंग होती है हिमालयन की, हिमालयन स्पेशलिस्ट है तुम्हारा भाई, क्योंकि हिमालयन जो जितनी भी गाड़ी हुई ना वो सारी 90% हमारे यहाँ से होकर जाती है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे दिल्ली से बाहर की हो, सारी बाइक की मोटिवेशन ज़्यादातर हम करते हैं कि हमें प्रोफेशनल फॉर दिस बाइक एंड अदर बाइक भी, बट आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी करा सकते हो, आपकी इच्छा है। जो भैया है ना, इनकी जो बाइक है हिमालयन, हिमालयन सिर्फ इन्हीं की है, और इनका एक चैनल है छोटा, जो बड़ा बनाना है आप लोगों को, तो भैया अपने चैनल का नाम बताइए। कैफिनेटेड राइडर। कैफीन कॉफी में होता है,
और मेरा बाइकों का शौक, बाइकों का प्यार मिलकर बनाता है कैफिनेटेड राइडर। ठीक है जी, आप समझ गए होंगे, तो कर देना भाई के चैनल को, और अभी ना रिव्यू नहीं ले रहे भैया, अभी चाय के चुस्के ले रहे हैं सर, चाय के चुस्के सर। भैया कह रहे मेरा चैनल का नाम आना चाहिए, पहले अपन नाम ही लेंगे, ये बीच में दे दिया गया है, बाकी जब बाइक की मॉडलिंग कम्प्लीट होगी तो फिर रिव्यू ले जाएगा, फिर आपको भैया का पूरा दिखाया जाएगा। और ये भी भैया इनके साथ में, इनकी बाइक है ये वाली, दोनों यूके 07 है, देखिए एक बोरे यूके 07 और एक मिलती है आपको ये यूके 07। तो ये अनुराग धोबल भाई के पड़ोसी हैं जो कि आए हुए हैं वहाँ से। अनुराग तुम भी दे रहे हो, ध्यान रखना ये भाई जी, समझना नमस्कार सबको कर रहे हैं। चलो नो, देख सकते हैं इसका हमने निकाल दिया है एग्जॉस्ट, ये रहा इसका एग्जॉस्ट जो कि देख सकते हैं आप बाहर निकल चुका है। और अब इसका जो ये देख सकते हैं कैथलिंग, ये पूरा निकाल रहे हैं हम, और इसे निकालने के बाद लगाएंगे इसके अंदर एक्सिल का आपका डिकैट बैंड पाइप, एक्सिल का लगेगा बैंड पाइप, और वो भी आपका इसी एग्जॉस्ट पर, ये जो कंपनी एग्जॉस्ट है ना इसी के अंदर लगाएंगे हम, इसमें कोई जुगाड़ नहीं करेंगे, कोई अल्ट्रेशन नहीं करेंगे, सिंपली इजी टू फिटेड होगा, कोई जुगाड़ नहीं, कोई नहीं। ये रहा इसका बैंड पाइप, और भी करते हैं इसके अंदर इंस्टॉल, उसके बाद सुनाते हैं इसकी साउंड। बाकी बाइक की मॉडिफिकेशन ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, थोड़ा सा काम रह गया, तो वीडियो बने रही, आफ्टर बिफोर का फर्क जरूर दिखाएंगे। पहले ना आप इसकी नॉर्मली साउंड सुन लो कि इसकी नॉर्मल साउंड कैसी आती है जब इसे लगा रहेगा तब, और फिर जब हम इसका निकाल कर डिकेट बैंड पर फिर इसकी साउंड कैसे है वो सुनाते हैं आपको। तो ये देखिए ये हो गई है, अभी थ्रोटल नहीं है, नॉन थ्रोटल है, स्टार्ट करिए गाड़ी तो इसमें साउंड सुन लो आपकी। और अब हम इसे निकाल रहे हैं, पूरा निकालने के बाद सुनाएंगे इसकी साउंड कैसी आने वाली है इसके अंदर। इसका देख सकते हैं जो है कैथलिंग, पूरा नीचे कैथलिंग निकाल दिया है, यस ये कैथलिंग एलिवेटर निकाल दिया है इसका, और अब इसके अंदर हम इंस्टॉल कर रहे हैं बैंड पाइप एक्सिल का। ये देखो ये होता है इसका डिकेट बैंड पाइप एक्सिल का, ये इसके अंदर इंस्टॉल कर प्रॉपर फिटिंग है, कोई जुगाड़ नहीं होता इसके अंदर। और जब आप इसकी साउंड सुनेंगे ना भाई साहब, इंक्रीज तो होगी बट चलान नहीं होगा, ये हमारी श्योरिटी है, गलत तो नहीं करा भैया? एब्सोल्युटली राइट। वैसे तो आपने बहुत कुछ देखा इसके अंदर, हम क्या क्या स्टार्ट से एंड एट द एंड इसके अंदर फाइनली जो वर्क हुआ है वो आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी ये भी वीडियो लंबी हो गई है, क्योंकि मेरी वीडियो हिमालयन तो ऑब्वियसली लंबी होती हैं क्योंकि इनके अंदर काम ही कुछ डिसेंट होता है। तो पहले दिखाता हूँ इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या क्या किया गया है, आपको देखने मिलेंगे इसके बग बास्टर के हैंड गार्ड, जो लुक चेकआउट करो ये आपके होते हैं मेटल के, और ये मिलता है आपको अनब्रेकेबल फाइबर, आपको सेम इस तरफ और इससे होते हैं आपके पूरे हैंड सेफ, एंड आपके लीवर भी होते हैं पूरी तरीके से सेफ, फुली सेफ्टी वाला फीचर जो इसमें लगा दिया गया है। साथ में आपको देखने मिलेगा ये रॉयल एनफील्ड का भैया ने पहले ही लगा रखा है, ये कंपनी लगा के दे रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है लुकिंग इसकी, जो कि पर्सनली मैं कहूँगा जो भी रॉयल एनफील्ड से लगवाते हैं तो ये लगवाएंगे बहुत अच्छा लगता है, जो हम लगाते हैं वो तो अलग है ही है, साथ में ये भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इसके बाद देखने मिलेगा आपको GPS माउंट, इधर आपको देखने मिलता है बोबो का मोबाइल होल्डर जो कि मिलता है आपको वाटरप्रूफ, और इधर आपको देखने मिल जाएगा नीचे फॉक्स स्लाइडर, इससे फॉक्स स्लाइडर से क्या होता है आपका जो शॉकर होता है ये सेफ हो जाता है, साथ में डिस्प्ले वगैरह फुली होती है सेफ। अब आपको देखने मिलेगा इधर रेडिएटर गार्ड, जिससे आपका रेडिएटर होता है पूरी तरह सेफ, नीचे आपको देखने मिलेगा एल्युमिनियम का, ये है आपका एल्युमिनियम का सम गार्ड जो कि लगा देगा इसके अंदर, लुक चेकआउट कर लो आपकी फुल्ली एल्युमिनियम है, और ग्रे कलर का इसके अंदर पाउडर कोटेड पेंट है जो कि आपको देखने मिलता है कुछ इस तरीके से, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है ये जो इसमें इंस्टॉल किया है। और अब दिखाता हूँ प्रीमियम से प्रीमियम क्वालिटी की लाइट्स जो कि आपको मिलते हैं, वायरिंग तो मैंने आपको चेकआउट कराई दी थी किस तरीके से हम लोग करते हैं, अब चेकआउट करो लाइट, ये होती है जी ओरिजिनल 70 वॉट की लाइट्स, लुक ज़बरदस्त, रोशनी मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसी होती है, ये देखिए ये है इसकी रोशनी जो कि देखने को मिलती है कुछ ज़बरदस्त तरीके से। और इसको हटाता हूँ, करता हूँ इसको वाइट, ये हो गया वाइट एंड ये हो गया वाइट, अब देखो रोशनी, इसे कहते हैं रोशनी, रात में निकलने का मतलब यह है कि रोड अपना होने वाला है इस फॉग लैंप से जो कि इसके अंदर लगाए गए हैं आपके 70 वॉट के HJG ओरिजिनल। और क्लैंप देखो, ये होते हैं क्लैंप जो जर्मन फिटिंग वाले होते हैं, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं जिससे प्रॉपर फिटमेंट हो जाती है इसकी, नहीं हिलेंगे, नहीं कहीं गिरेंगे, नहीं कहीं जाएगा,
प्रॉपर सेम इधर सेम आपको मिलता है इस तरफ, दोनों तरफ देख लेंगे क्लैंप वगैरह प्रॉपर फिटमेंट। और अब आपको दिखाता हूँ ऊपर की तरफ एक और फॉग लैंप जो कि आउल वाले हैं, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं, जो कि मिलते हैं आपको विद हार्नेस। ये आपको मिलते हैं विद हार्नेस, जो कि आपको दोनों तरफ देखने और दिखाता हूँ इसकी रोशनी कैसी होती है। ये देखिए, ये हो गया आपको ऑन, ऑन बोले तो येलो, फिर मिलता है आपको वाइट, फिर आपको मिलता है इसके अंदर येलो वाइट। और अब दिखाता हूँ आपको इसके अंदर इसका हैजार्ड, ऑन करता हूँ इसका हैजार्ड बोले तो आपकी लाइट का हैजार्ड। देखिए ये बटन ऑन करते ये हो गया हैजार्ड ऑन, और ये आपको वन वे, देन आपका सेकेंड, देन थर्ड, फोर्थ, फाइव, तो ये होते हैं इसके पैटर्न्स, जो कि फाइव पैटर्न्स के अंदर आपको मिल जाते हैं इसीलिए आपको। और ये ज़रूर येलो वाइट के अंदर आप देखो, ये देखो ये आपका येलो है, अब येलो में भी सेम पैटर्न मिल जाते हैं आपको, उसी तरीके से आपको मिलता है वाइट के अंदर। ये देखिए ये हो गया वाइट, अब वाइट में पैटर्न देख लो, ये देखिए इसे कहते हैं पैटर्न, जो कि देखने में मिल जाते हैं। अब करते हैं इसको बंद, और अब दिखाते हैं आपको कुछ और न्यू, समथिंग इज़ न्यू, जैसे कि आपको देखने में मिलेगा इसके अंदर GoPro माउंट जो इसके अंदर लगा दिया गया है, क्योंकि भैया अपना GoPro यहाँ पर लगा कर ईजी राइड करने वाले हैं इसे लगाने के बाद। इधर आपको मिलता है लेटेस्ट वाले मिरर, जो कि लुक चेकआउट करो क्या ज़बरदस्त आ रही है इसकी लगने के बाद, अल्टीमेट ऑसम लुकिंग, और इसमें व्यू आता है पूरा नज़र आपको बैक साइड के अंदर। और भाई साहब लुक चेकआउट कर लो क्या अल्टीमेट इसकी फिनिशिंग है। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसका क्रैश गार्ड जो कि लगा हुआ है इसके अंदर, इसकी भी लुक चेकआउट कर लो, ज़बरदस्त तरीके से फिटमेंट की गई है और जेन्युइन है इसका क्रैश गार्ड। और अब आपको दिखाता हूँ इसके अंदर देखने मिलेंगे आपको रियर फुटरेस्ट, जो कि लगा देंगे बोथ साइड, इधर भी मिलता है सेम आपको मिलता है इधर भी, इससे प्लेन राइडर होता है पूरी तरीके से सेफ। साथ में आपको देखने मिलेंगे इसके अंदर सैडल स्टे, जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं, लुकिंग ज़बरदस्त। और आप इसे लगाने के बाद सिंपली कुछ नहीं करना, ओनली पैनियर लगाइए और निकल जाइए किसी भी राइड पर। और बैक साइड में दिखाता हूँ आपको ये मिलेगा टॉप बॉक्स, जो कि आपको मिलता 50 नहीं 55 नहीं, ये मिलता है आपको 65 लीटर का आपको मिलता है टॉप बॉक्स। और ये देखो ये करा ऑन, और देखो भाई साहब ऑलरेडी हेलमेट रखा हुआ है, और जगह देखो, स्पेस देखो, स्पेस देखो ब्रो, स्पेस बहुत सारा स्पेस है इसके अंदर मिलने वाला, जो कि आप देख सकते हैं। और ये मिलता है आपको एल्युमिनियम का, जो कि कुछ लुकिंग ज़बरदस्त तरीके से आपको देखने मिल जाती है। और अब इसे करते हैं बंद, और अब एक और चीज़ दिखा देता हूँ आपको, अगर तो आप डिटेचेबल है वैसे ये लॉक खोल कर इसको निकाल सकते हैं, आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। और अब मैं दिखाने वाला एक और इसके अंदर लगाएं बुलेट इंडिकेटर, वो भी फुल्ली लेटेस्ट वाले, चाबी ऑन है। ये देखिए ये इसके पैटर्न्स हैं, जो कि आप देखने मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से, देखिए ज़बरदस्त रोशनी अल्टीमेट। और इसमें ना आप इधर देख रहे हो ना रोशनी, साइड में इधर भी देखिए, आप साइड में भी मिलेगी आपको, ये लेटेस्ट वाले लेज़र वाले इसके अंदर पूरे इंडिकेटर, जो कि आपको मिलते हैं बैक साइड के अंदर, क्योंकि राइड करते हो राइड आपकी काफ़ी ज़्यादा इजी इसलिए हो जाएगी, क्योंकि जब ये रोड पर निकलती है ना, तो निकलने के बाद आप फुली सेफ फील करेंगे। बैक साइड जो भी बंदा जा रहा है उसे पता है आगे कन्विंस जा रहा है, बाइक जा रही है, तो बहुत अच्छी लुकिंग के साथ है। साथ में उधर मिलेगा इसके बैक रश, जो कि इसके अंदर ये भी लगा दी गई बैक रश, जो कि प्लेन राइडरों करती है पूरी तरीके से सेफ, फुली सेफ्टी वाली चीज़ें इसके अंदर लगा दी गई है सारा कुछ। और इसमें साथ में की गई लैमिनेशन, जो कि कोई जज भी नहीं कर सकता की है या नहीं की गई है, क्योंकि ये है अल्टीमेट फिनिशिंग वाली लैमिनेशन राजू भाई की शॉप पर। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर मार्शल टेंडर कैप एक मिलता है आपको इस तरफ देख सकते हैं, जिससे आपकी लुक इन साथ में सेफ हो जाता है। इधर आपको मिलता है नीचे की तरफ भी देख सकते हैं, ये आपका मिलता है क्रोम में, इधर आपको मिलता है ये भी स्टील के अंदर, तो ये इसके अंदर मास्टर एंडर कैप है, जो कि ये इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। तो ये थी इस बाइक की मॉडिफिकेशन हिमालयन 450 की। और अब मैं मिलाना चाहूँगा उन भैया से, जिन भैया की बाइक है वो डिसेंट बंदे हैं, मिलाता हूँ इन डिसेंट बंदे से। तो हेलो ब्रदर, कैसे हैं आप? तो ये बताइए आपको ऑल अबाउट कैसा लगा आज का दिन हमारे साथ? अरे व्हाट अ डे यार, व्हाट अ डे, मतलब फ्रॉम द पॉइंट जब हम यहाँ घुसे और जब आप जा रहे हैं, ये जो कनेक्शन हुआ है, ये इट इज़ मोर देन अ कस्टमर, नॉट अ कस्टमर, हाँ मैं बोल रहा हूँ इट इज़ मोर देन दैट, ठीक है, एक बॉन्ड क्रिएट हुआ है। इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट कि क्या मॉडिफिकेशन करानी थी क्या, बट द अमाउंट ऑफ हॉस्पिटैलिटी ही हैज़ गिवन, जो सर्विस इन्होंने दी है, क्या है कि काम बहुत सारे लोग करते हैं, बट कस्टमर से पैसा लेना एक बात है, बट अपने व्यवहार से उस कस्टमर को अपना बना लेना, वो एक स्किल है जो बहुत लोगों में नहीं है। और आई थिंक उसी की वजह से और ऊपर वाले के कर्म की वजह से आज जहाँ राजू भैया हैं वहाँ पर आज खड़े हुए हैं। राजू भैया थैंक यू सो मच यार, क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपकी सेवा याद रहेगी, ठीक है, कभी भी दिल्ली आना होता है मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, और यही नहीं, आप भी कभी दिल्ली आना चाहते हो ऑल इंडिया से, कुछ नहीं करना आपको राजू भाई, काम कराओ या ना कराओ,
जस्ट मिल के जरूर तुम्हारे भाई से, तुम्हारा भाई दिल से अमीर है, ध्यान रखना। पैसा तो दुनिया कमाती है, अपन पैसा नहीं कमाते, दिल कमाने आए, लोगों कमाते हैं, लोगों को। तो ऑल अबाउट आप सेटिस्फाइड है? अरे एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, कोई डाउट नहीं है। यहाँ इस जगह से, मॉडिफिकेशन से, सर्विस से, हॉस्पिटैलिटी से, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई, अगर आप खासकर किसी और शहर से आ रहे हो तो आपको लगेगा ही नहीं, आप यहाँ आओगे तो आपको नहीं लगेगा कि आप किसी और शहर से यहाँ पे, आपको अपनापन लगेगा या आपको अपनों की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। साथ में खाना खाया है, साथ में इन्जॉय किया है, हंसी मजाक करते हुए, दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं लगा। सुबह आए थे भैया कितने बजे बताओ पहले, यहाँ पर कितने बजे? तो मैं मेरे दोस्त के साथ आया था, उसने यहाँ से अपनी मीटियोर 350 को कम्प्लीटली लोडेड किया है पैनियर्स वगैरह के साथ और बाकी सारी एक्सेसरीज के साथ। तो हम लोग निकले थे देहरादून से, रात को निकले थे और हम यहाँ पर पहुँचे थे करीबन मिडनाइट, 2 बज चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने होटल लिया, वहाँ पर रात भर आराम करके सुबह 7 बजे उठ के हम यहाँ पर अपनी गाड़ी लगा दी थी। भैया ने कहा मैं आ रहा हूँ 10 मिनट के अंदर, भैया भी वहाँ पर पहुँच गए। मतलब इनका यूजुअली जो टाइम है थोड़ा लेट होता है, बट हमारे लिए लोग सुबह के 7:15 के आसपास वो लोग यहाँ पर थे और बस वहीं से फिर शुरू हो गया सिलसिला। भैया ने ख्याल रखा नाश्ते का, भैया ने ख्याल रखा पानी का, चाय का, भैया क्या क्या नहीं पूछा। तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसा था कि जैसे बिस्तर में घर में लेटे लेटे हमारी बाइक मॉडिफाई हो गई। तो यार ये तो आपके साथ भी ऐसे होगा, डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि हमारा नेचर ऐसा ही है। हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया कि अगर कोई पराए देश से या पराए शहर से या पराए घर से भी आ रहा तो वो आपका अपना ही होगा जो आपके लिए आया है। तो वही हमारा सेम वेव चलता आ रहा है। और हमने क्या कहा कि हम मार्केट के अंदर अभी बेशक 3 साल हुए, 25 ईयर का एक्सपीरियंस तुम्हारे भाई का, 25 ईयर, 25 साल से मैं काम कर रहा हूँ। अब देखो बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं तो समझ चुके होंगे 25 साल का एक्सपीरियंस ऐसे ही नहीं हुआ, ये सब कुछ कमा के आया तुम्हारा भाई यहाँ तक अपने दम पे पहुँचा है, किसी के दम पर नहीं पहुँचा। और आगे भी आपका साथ रहेगा और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा, तो जल्दी जल्दी नई खुशखबरी देने वाला हूँ आपको, जो कि नेक्स्ट वीडियो में शायद मिल भी जाए। नो, नेक्स्ट वीडियो में शायद आपको वो सरप्राइज मिल जाए। और वीडियो चले तो चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। पहले मेरे भाई का नाम बताओ। कैफिनेटेड राइडर। सो कैफीन एंड राइडिंग मिक्स्ड टुगेदर, कैफीन इज माय प्रोफेशन, राइडिंग इज माय पैशन। इन दोनों को मिक्स करोगे यू गेट कैफिनेटेड राइडर। तो कैफिनेटेड राइडर भैया का चैनल है, इनके भी इस पर नए हैं यूट्यूब पर, बट मुझे इनकी वीडियो देख के शॉर्ट देख के लगा नहीं कि न्यू है भाई सब औसम है। अब देखो जरा इनके शॉर्ट जाकर, बाकी फुल वीडियो डलेगी इनकी। और हो सकता है नहीं हो है ऐसा कि ये वीडियो सेम वीडियो आपको इनके चैनल मिलेगी और सेम मिलेगी आपको राजू भाई SKD पर भी। दोनों को कर लेना सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बिल्कुल भी कमेंट करना ना भूले, क्योंकि आपका ये भाई ऐसे इंटरेस्टिंग और वीडियो एंड ब्लॉग्स लाता रहता है। YouTube पर भी सेम मिलेगा आपको, Instagram पर भी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, जब तक जय श्री राम, जय माता दी, गुड बाय।